वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को. आप सभी का अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत है. तो आज मैं आपके सामने शुरुआत करने जा रही हूँ SBI क्लर्क के लेक्चर 1 से. रिकॉर्डेड क्लास जरूर है पर कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा भाई. हर एक चीज को हम बिल्कुल अच्छे समझेंगे और कोशिश करेंगे आपको हर चीज समझ में आए भाई. आज मैं आपको कंसेप्ट नंबर 1 समझाऊंगी. शुरुआत कर रही हूँ मैं आपकी इनइक्वालिटी से. आज का क्या टॉपिक आपको इनइक्वालिटी से आपको दिख रहा है. क्लास नंबर हमारी 1 है. SBI क्लर्क को हम टारगेट करते हुए चल रहे भाई इनइक्वालिटी. ऐसे आप सभी को बताएं इनइक्वालिटी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की आती है. आप सभी को पता होगा ये चीज. 5 नंबर की इनइक्वालिटी आती है फ्री के मार्क्स ही होते हैं भाई. अगर आपने समझ ली तो आपका मतलब ये समझ लिए 5 नंबर आपके हाथ में है. कोई भी इन 5 नंबर को नहीं छीन सकता. हम इन क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में करेंगे. मात्र 5 सेकंड में इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो शुरुआत करते हैं कंसेप्ट से कि भाई कंसेप्ट क्या होता है इसका. जो भी आपकी इनइक्वालिटी होती है वो इन्हीं 5 के बीच में खेलती रहती है. इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपकी इनइक्वालिटी के अंदर. ये सबसे ऊपर मानते हैं, उसके बाद हम ये मानते हैं और ये मानते हैं. मतलब ये हमारे टॉप क्लास के लोग हैं, इनको हम बोलते हैं राजा. ये दोनों सिंबल्स. ये बोलते हैं मिडिल क्लास की फैमिली, इसको बोलते हैं मंत्री. ये क्या है, मिडिल क्लास की फैमिली है, ये बोलते हैं मंत्री. ये हमारे सबसे लोअर क्लास की फैमिली है, लोअर क्लास के लोग हैं जनता, आम जनता. जैसे कि अगर आप नॉर्मल में देखोगे तो भाई मंत्री सबसे, राजा सबसे ऊपर होता है, उसके बाद मंत्री होता है, सबसे आखिरी में हमारी जनता आती है. एग्जाम्पल समझेंगे अगर हम लोग ये चीज. अगर हमारे कोई एक ग्रुप बैठा हुआ है, उस ग्रुप में राजा भी है, मंत्री भी है और जनता भी है. तीनों लोग आपस में बैठे हुए हैं. अगर वो कोई बात का डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन फैसला उसी का माना जाएगा. किसका? जिसको पास पावर ज्यादा होगी. पावरफुल कौन होता है भाई? राजा. राजा पावरफुल है. अगर उस सभा में राजा बैठा हुआ है तो उसकी ही बात मानी जाएगी. राजा सबसे पावरफुल हो गया. अगर मान लीजिए किसी सभा में राजा एब्सेंट है, मान लें कि सभा में राजा एब्सेंट है, तो किसकी बात सुनी जाएगी भाई? अगर राजा एब्सेंट है और केवल मंत्री और जनता बैठी हुई है तो बात केवल मंत्री की सुनी जाएगी. इससे हम क्या समझे? अगर कहीं पे राजा एक बार आ गया तो राजा की सुनी जाएगी, अगर राजा नहीं है तो मंत्री की सुनी जाएगी. तो यहां से हमने ये बात कंक्लूज निकाला. मतलब राजा सबसे पावरफुल है, उसके बाद आपका मंत्री पावरफुल है, उसके बाद आपको जनता पावरफुल है. अब इसी को हम सिंबल्स की फॉर्म में देखते हैं. ये तो हमने देखा आम तौर पर लैंग्वेज में, हमारे आम भाषा में ये होती है भाई. अब देखते हैं भाई इसको सिंबल्स की फॉर्म में कैसे देखेंगे. मान लीजिए कहीं राजा भी है, मंत्री भी है और जनता भी है. तीनों लोग आपस में बैठे हैं, तीनों लोग बैठे हुए हैं. सिंबल कौन सा आएगा भाई? राजा का आएगा. अगर एक बार राजा आ गया तो राजा ही सिंबल में आना है उनके बीच में. देखो यहाँ पे राजा मिसिंग है, राजा यहाँ पे नहीं है, सिंबल आगे केवल ये दोनों है, तो आपका मंत्री ही आएगा. अगर आपका राजा आ गया एक बार तो चाहे कोई कुछ भी आए, राजा ही आना है. ये बात समझ में आई? सेम इसका उल्टा यहाँ पे कर दिया. सिंबल्स का मुंह इस साइड है केवल. ये बात और ध्यान रखिएगा, आप ये नहीं बोलेंगे भाई ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है. इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आप केवल क्या बोलेंगे भाई, ध्यान रखना, आप केवल ये बोलेंगे भाई इसका मुंह यहाँ से खुला है, इसका मुंह यहाँ से खुला है और यहाँ एग्जिट है, यहाँ एग्जिट है, यहाँ पे एंट्री नहीं है. ये एग्जिट है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है भाई यहाँ पे, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है. ये बात ध्यान रखेंगे. हमें अगर जाना है तो हमें इसी रास्ते का प्रयोग करना पड़ेगा, यहां से एंट्री हमारी नहीं होगी. इस बात को ध्यान रखना है आपको. पूरे सवाल में इसी का खेल है हमारा कि भाई हम लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं कि यहाँ पे गेट खुला हुआ है, इसका मुंह खुला है, पर यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि तो यहाँ पे इसकी चोच है, इसका पॉइंट है. पूरा खेल इसी केवल का है. इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक सिंगल चीज भी नहीं है इसके अलावा भाई. यही हमारा इनइक्वालिटी का पहला कंसेप्ट था. शुरुआत करते हैं हम पहले नंबर के क्वेश्चन से, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते भाई. पहले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे देखते हैं भाई. सवाल को देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सवाल को देखते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं भाई. देखिएगा, पी लेस देन क्यू है, पी लेस देन क्यू है, लेस देन आर है, ग्रेटर देन टी है और इजिकल्स टू एस है, इजिकल्स टू एस है, ग्रेटर देन आर एक्स है, ठीक है? पहला सवाल आपका ये है. पूछा क्या है आपसे? क्यू ग्रेटर देन पी और x लेस देन p, ये आपसे पूछा हुआ है. सवाल ये है, पूछा ये, इसको हटा देती हूँ भाई, इन सबको हटा देती हूँ. सवाल ये है, पूछा ये है हमसे. देखिएगा ध्यान से सवाल को देखिएगा भाई. अब देखो पूछा ये है, जाना हमें कहाँ पे? देखना q से p की तरफ जाना है. इस सिंबल का मतलब समझिए, q से p की तरफ जाना है और इसमें p से x की तरफ जाना है. अभी मैंने बताया आपको यहाँ से एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये एग्जिट गेट है. एंट्री कहाँ से होगी? यहाँ से, यहीं होगी.
एंट्री कहां से होगी, यहां से यहां होगी, ऐसे एंट्री मना है, ऐसे एंट्री नहीं होगी, ऐसे एंट्री नहीं होगी, ये बात ध्यान दीजिएगा भाई। क्यू से पी तक, अब देखो क्यू ये रहा पी ये रहा, ठीक है, क्यू और पी ये, क्यू से पी जाना है भाई, क्यू से पी आराम से पहुंच गए, गेट खुला था, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से पहुंच गए, बिल्कुल सही है भाई। पी से एक्स, अब देखिए पी से एक्स को हटाती हूँ, पी ये रहा एक्स आपका ये रहा, चलना शुरू करते हैं। पी से गई मैं क्यू, भाई जा ही नहीं पाऊंगी, शुरुआत में ही यहाँ पे एग्जिट गेट लगा हुआ है भाई, शुरुआत में ही एग्जिट गेट है भाई, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे कैसे जाऊंगी भाई, जा ही नहीं सकती, आगे बढ़ भी नहीं पाऊंगी यहाँ पे, तो गलत हो गया। पी से एक्स में जा नहीं पाऊंगी, क्यू से भी हमें आराम से पहुंच गई, ये बात समझ में आई। पहला प्रश्न आपका ये था, सेम ऐसा ही आप लोग दूसरा प्रश्न देखे भाई, ऐसा ही कुछ सेकेंड क्वेश्चन और है, देखिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार का आपका सेकेंड क्वेश्चन है, जरा देखिए बताएं भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। सवाल देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी है आपका, फिर आपका इजिकल्स टू सी हो गया, ग्रेटर देन डी हो गया, लेस देन ई हो गया और लेस देन एफ हो गया। पूछा क्या है आपसे, एफ ग्रेटर देन ए हो गया और दूसरा है ए ग्रेटर देन डी हो गया, ठीक है। अब देखो सवाल का मतलब क्या है कि हमें जाना कहाँ पे, एफ से ए की तरफ जाना है, इसका मतलब क्या हुआ, ए से डी की तरफ जाना है। पहले इसको देखते हैं, एफ कहाँ ये रहा, ए कहाँ ये रहा, चलना शुरू करते हैं। एफ से ई गई, ई से डी गई, पर डी से आगे नहीं जा पाऊंगी, एग्जिट गेट आ गया भाई, एग्जिट गेट आ गया, नहीं जा पाऊंगी, क्रॉस हो गया भाई, क्रॉस। अब देखो ए से डी जाना है भाई हमें, ए ये रहा डी ये रहा, चलना शुरू करती हूँ, ए ये रहा डी ये रहा, ए से बी गई चली गई, बी से सी गई चली गई, सी से डी गई भी पहुंच गई, बिना दिक्कत के पहुंच गई, बिना दिक्कत के पहुंच गई। अब बारी आई सिंबल की भाई, सिंबल कौन सा आएगा, जब मैं ए से डी तक गई तो किस किस चीज का प्रयोग हुआ, एक बार राजा आ गया तो राजा ही आना है, बात खत्म, राजा ही आएगा, राजा ही आएगा, बात खत्म, बिल्कुल सही जवाब है भाई। एक बार राजा आ गया तो राजा को ही आना है, बात खत्म हो गई भाई, राजा के अलावा कोई भी आएगा गलत ही माना जाएगा, दूसरा सवाल भी हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो भाई अपना तीसरा सवाल, ये है आपका अगला कंसेप्ट इसी के अंदर। अभी तो क्या हुआ, अभी हम देख रहे थे भाई सिंगल सिंगल स्टेटमेंट थे, सिंगल सिंगल लाइन के स्टेटमेंट थे हमारे पास। अब देखिए भाई आपके पास आ गए डबल स्टेटमेंट, दो लाइन वाले स्टेटमेंट में क्या करेंगे देखिएगा, अगर हमारे पास दो लाइन वाले स्टेटमेंट आएंगे तो हम क्या करेंगे, अब वो देखते हैं हम एक बार। सवाल देखिएगा, x ग्रेटर देन आपके पास y है, ग्रेटर देन z हो गया, फिर आपका x p और q हो गया भाई, ठीक है। पहला है आपका x ग्रेटर देन z हो गया, फिर आपका q लेस देन z हो गया भाई, ठीक है। सवाल आपके पास ये है, अब देखो पहला सवाल क्या है भाई, x से z जाना है, Z से Q जाना है, इतनी बात समझ में आ गई, इतना सा समझना आ चुका होगा आपको कि जहां से मुंह खुला है वहीं से मूव करना है। X से Z है और Z से Q है, X देखो ये रहा, Z ये रहा, चलना शुरू किया, X से Y गए, Y से Z गए भाई, सबका मुंह खुला हुआ था, एक साइड से बिल्कुल पहुंच गए भाई। अब देखो यहाँ राजा है, यहाँ मंत्री है, बड़ा कौन है, राजा, तो राजा ही आया है, यहाँ पे भी राजा आया, बिल्कुल सही है। अब Q है और Z है, Z से Q, Q इधर रहा और Z इधर रहा, देखो यहाँ दिक्कत हो गई भाई, इधर और उधर भाई, दोनों के बीच में एक कॉमन का गैप है भाई, कैसे जाऊंगी, जब कॉमन होगा, मतलब कॉमन क्या है इनमें, एक्स कॉमन है, इसके सारे जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी क्यू से एक्स, फिर जाऊंगी एक्स से जेड, चलना शुरू करी जेड से, जेड से वाई गई, जा ही नहीं पाऊंगी भाई, शुरुआत में ही ब्लॉकेज है, शुरुआत में ही ब्लॉकेज है, मैं आगे मुचल भी नहीं पाऊंगी, गलत हो गया ये आपका, बिल्कुल गलत है। Z से Y की तरफ मैंने भरना शुरू किया, पहुंच नहीं पाऊंगी क्योंकि हमारे पास पहले ही नो एंट्री का बोर्ड आ गया, सवाल हमारा गलत हो गया। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपका ये रहा, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, कोशिश कीजिए करने की भाई, आप लोग कोशिश कीजिए सवाल करने की, क्योंकि आपको इन सवालों को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस हिसाब से करनी है कि आपको 5 सेकंड में इस सवाल को करना है और कर सकते हैं भाई, ये सवाल 5 सेकंड में ही सॉल्व होते, ध्यान दीजिए भाई। S greater than A, less than B, greater than C, C greater than D, greater than G, ये हो गया भाई। अब क्या है, B greater than G, फिर आपका A less than D आपका सवाल हो गया। अब देखते हैं कि जाना कैसे है, B से G की तरफ और D से C A की तरफ, B देखो कहाँ है, B ये रहा, G ये रहा, यहां से यहां कैसे जाऊंगे भाई, कॉमन से, ये रहा कॉमन इन दोनों के बीच में, तो B से गई मैं C, सी ये रहा, सी ये रहा, बात बराबर है, सी से गई डी, डी से गई जी, मतलब पहुंच गई बिना दिक्कत के, पहुंच गई, बी से मुझे जी जाना था, कॉमन क्या है, सी,
पहले बी से सी गई, सी कॉमन है, सी ये रहा, सी से गई डी, डी से गई जी, बिना दिक्कत के पहुंच के। सबसे अच्छी बात क्या है, बीच में केवल राजा ही है, तो राजा ही आएगा। अब जाना है डी से मुझे ए, अब देखो कैसे जाऊंगी भाई, डी से ए, डी ये रहा, ए ये रहा, डी ये रहा, ए ये रहा, चलना शुरू किया। डी से गई मैं सी, जा ही नहीं पाऊंगी, क्यों भाई, क्योंकि ब्लॉकेज है भाई, ब्लॉकेज है, रास्ता यहाँ बंद है, हमने देखा ही नहीं, रास्ता बंद है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ, गलत हो गया भाई। तो देखो ये सवाल थे आपके कुछ इनइक्वालिटी के, ऐसे ही सवाल आपके इनइक्वालिटी को सॉल्व होते हैं। मुझे पता है आपको देख के लगा हो कि आपको आ गई इनइक्वालिटी, पर नहीं, हमारा मकसद केवल आना नहीं है, हमें मकसद ये है इसको 5 सेकंड में सॉल्व भी करना है भाई। तो आज का आपका टारगेट क्या है भाई, टारगेट आपका ये है कि आज ही आप कम से कम 30 सवाल लगाएंगे भाई इसके, कहीं से भी देखिए भाई 30 क्वेश्चन इसके लगाएंगे, और जब तक लगाएंगे भाई एक दिन में एक टॉपिक को सॉल्व करेंगे, और तब तक लगाएंगे जब तक आपका स्पीड आपकी 5 सेकंड ना आ जाए। सवाल आप 30 लगाएंगे, मुझे पता है आपको पहले सवाल में लगा होगा भाई मुझे आ गया, नहीं, बैंकिंग में आने से मतलब नहीं है, बैंकिंग में आने का मतलब क्या है, वो सवाल 5 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए भाई। तो इसी के साथ क्लास को ऑफ कर देंगे, मिलते हैं अगले कंसेप्ट में अगले दिन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे। तो सॉल्व कीजिएगा भाई, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो अपने साथियों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भाई, सब्सक्राइब और लाइक बहुत जरूरी है भाई, लाइक जरूर कीजिएगा, पता चलेगा इससे कि भाई आपको सच में पसंद आ रहा है ये तरीका जो मैं अपने अपनाया है भाई यहाँ पे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट का, इधर और अगली क्लास में अगला कंसेप्ट देखेंगे हम लोग, इधर और का, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।